अच्छा, तो हमने बात की थी मॉडिफिकेशंस की, और मॉडिफिकेशन में सबसे पहले बात की थी कि हम डीएनए को मॉडिफाई करेंगे। किसको मॉडिफाई करेंगे? डीएनए मॉडिफिकेशंस। और डीएनए मॉडिफिकेशन में भी सबसे इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन जो है उसको है हमारे पास डीएनए मिथाइलेशन। क्या है हमारे पास? डीएनए मिथाइलेशन। अब डीएनए मिथाइलेशन कैसे होती है? या हमारे पास डीएनए मॉडिफिकेशन में कौन से वाले डीएनए को जो है वो मॉडिफाई करते हैं, उससे पहले हमें डीएनए को थोड़ा सा समझना है। और क्योंकि हम कहते हैं कि जो एपिजेनेटिक्स है वो इन्वॉल्व होती है हमारे पास रेगुलेशन में, तो किसके रेगुलेशन में? ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के रेगुलेशन में, या इसको हम कह सकते हैं कि जीन की रेगुलेशन में इन्वॉल्व होती है हमारे पास एपिजेनेटिक्स। तो हमने फिर वहां पे थोड़ा सा डीएनए को पहले समझो कि बिलफर्ज हमारे पास ये जीन है। क्या है? ये जीन है, कोई भी जीन है, कोई ट्रांसलेशनल जीन है जिसने कोई प्रोटीन बनाना है। उस जीन को, उस जीन से पहले हमारे पास यहाँ पे कुछ और रीजंस होते हैं। क्या होते हैं? कुछ और रीजंस होते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रोमोटर रीजंस। क्या बोलते हैं? प्रोमोटर। कौन से रीजन होंगे? प्रोमोटर रीजन, या कुछ और जीन्स होंगे जिसको हम इन्हांसर बोलते हैं। इन्हांसर रीजन क्या है? इन्हांसर रीजन। कुछ प्रोमोटर रीजन होंगे, कुछ इन्हांसर रीजन होंगे। इस प्रोमोटर या इन्हांसर रीजन के बाद हमारे पास वो जो स्पेसिफिक प्रोटीन के बनाने वाले जीन्स होंगे उनका सीक्वेंस है। उनका क्या है हमारे पास? सीक्वेंस है। तो हमने इसको नहीं छेड़ना, ये जो सीक्वेंस है चाहे वो कोई भी सीक्वेंस है उसको हमने नहीं छेड़ना, ये जो प्रोमोटर है। अब इस सीक्वेंसेस का काम क्या होता है? ये प्रोमोटर सीक्वेंसेस जो है वो असल में बता रहे होते हैं किसी भी आरएनए पॉलीमरेज को, क्योंकि अगर जीन है तो इस पे आरएनए पॉलीमरेज आएगा, इस पे मैसेंजर आरएनए बनेगा, मैसेंजर आरएनए का बाद में जाके प्रोटीन बनेगा, वो अलग से सेंट्रल डॉगमा। लेकिन उसमें ये प्रोमोटर क्या करते हैं, वो आरएनए पॉलीमरेज को हेल्प करवाते हैं, वहां पे ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर आके जुड़ते हैं जिससे पता चलता है आरएनए पॉलीमरेज को कि अच्छा मैंने इसके बाद अब जाके हम उसके ट्रांसक्रिप्शन करनी है। तो ये प्रोमोटर रीजन उसको इन्हांस करने में, उस जीन को एक्सप्रेस करने में हेल्प आउट करते हैं। क्या करते हैं? हेल्प आउट करते हैं, जिसको प्रोमोटर रीजन बोलते हैं, या जिसको हमारे पास इन्हांसर रीजन बोलते हैं। तो अगर ये प्रोमोटर रीजन किसी वजह से क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए, या कोई सप्रेसर आके इस प्रोमोटर रीजन को बंद कर दे, तो इस प्रोमोटर रीजन के सप्रेस होने की वजह से क्या होगा कि अब ये जीपी के जो हमारे पास जीन का सीक्वेंस है, कोई ट्रांसलेशनल जीन है जिसके सीक्वेंस है, वो रीड ही नहीं होगा। जब ये रीड ही नहीं होगा तो वो प्रोटीन बनेगी नहीं। अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास ये जो जीन है इसके सीक्वेंस हमने छेड़ा ही, हमने प्रोमोटर के साथ थोड़ी सी छेड़खानी की, तो उस छेड़खानी की वजह से अब क्या होगा कि हमारे पास ये जो जीन है इसका सीक्वेंस रीड ही नहीं होगा। जब सीक्वेंस ही रीड नहीं करेगा आरएनए पॉलीमरेज तो कोई मैसेंजर आरएनए नहीं बनेगा, जब मैसेंजर आरएनए ही नहीं बनेगा तो प्रोटीन ही नहीं बनेगी। हालांकि जीन हमारे पास प्रेजेंट है, जीन हमारे पास क्या है? प्रेजेंट है। तो ये जो प्रोमोटर है लाजमन, ये भी हमारे पास अगर डीएनए का हिस्सा है तो इसके अंदर भी कुछ सीक्वेंसेस होती है। क्या होते हैं? कोई सीक्वेंस है ना, न्यूक्लियोटाइड का कोई सीक्वेंस होगा। तो ये जो प्रोमोटर रीजन होते हैं ये अमूमन हमारे पास सीजी के ज्यादा हमारे पास सीक्वेंसेस होते हैं। इसमें किसके? सीजी सीजी वाले, मतलब फिर फर्स्ट हमारे पास ये सीक्वेंस होगा जी सी सी जी सी जी सी जी ए टी, ठीक है। इस तरह का कोई सीक्वेंस है जिसमें सीजी वाले हमारे पास क्या है, ज्यादा है। तो ये हमारे पास आइडेंटिफाई इस तरह हो जाता है कि ये हमारे पास अच्छा प्रोमोटर रीजन है। तो होगा क्या उसके बाद, अब जैसे इसके बाद हमारे पास सीक्वेंस शुरू हो रहा है, तो एक प्रोमोटर रीजन है जिसमें ये बहुत सारा क्या है, सीजी सीक्वेंसेस है, सीजी न्यूक्लियोटाइड्स है। तो डीएनए मॉडिफिकेशन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो डीएनए मिथाइलेशन है, अब मिथाइलेशन का मतलब क्या होगा? मिथाइलेशन का मतलब है एडिशन ऑफ सीएस थ्री ग्रुप। कौन सा ग्रुप? सीएस थ्री जो ग्रुप है, जो मिथाइल ग्रुप है, वो जब डीएनए में एड होगा तो उसको हम कहेंगे डीएनए मिथाइलेशन। उसको क्या बोलेंगे? डीएनए मिथाइलेशन। अब बेसिकली अगर ये न्यूक्लियोटाइड है, अब देखिए इसमें क्या, एक सी न्यूक्लियोटाइड है, एक जी न्यूक्लियोटाइड है। सी मतलब क्या? साइटोसिन है। क्या है हमारे पास? साइटोसिन। और इसी के एडजेसेंट हमारे पास गवानीन है, ऐसा ही है, एक साइटोसिन और एक गवानीन है। अब साइटोसिन में हमने कहा था कि इसके अंदर हमारे पास बेसिकली एक ही रिंग होता है जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन होता है, ऐसी बात है, जिसमें क्या होता है हमारे पास कार्बन और नाइट्रोजन होते हैं। तो उस कार्बन और नाइट्रोजन में जो कार्बन नंबर 5 है, कौन सा है? साइटोसिन के जो बेस के अंदर, किसके? साइटोसिन के अंदर जो कार्बन नंबर 5 है वहां पे मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाता है। कौन सा ग्रुप ऐड हो जाता है? मिथाइल ग्रुप जो है वो ऐड हो जाता है उस प्रोमोटर के साइटोसिन के साथ। जहां जहां पे भी साइटोसिन होगा वहां पे का ग्रुप ऐड हो जाएगा। कौन सा ग्रुप ऐड होगा? सीएस थ्री ग्रुप। जहां पर भी साइटोसिन होगा वहां पे सीएस थ्री ग्रुप ऐड हो जाता है। तो इस सीएस थ्री ग्रुप के एडिशन की वजह से क्या है कि अब हम इसको कहेंगे कि इस डीएनए की हो गई है मिथाइलेशन, ठीक है। डीएनए है जिसमें साइटोसिन के पांचवें नंबर कार्बन पे क्या होगा, पांचवें नंबर कार्बन पे क्या होगा हमारे पास मिथाइल का ग्रुप ऐड होता है, तो उसको कहेंगे डीएनए मिथाइलेशन। और ये जो साइट है हमारे पास जहां पर सीजी सीक्वेंसेस बहुत ज्यादा है, इसको बोलते हैं सीपीजी साइट्स। इसको क्या बोलते हैं हम? सीपीजी साइट्स।
तो हमारे पास जो मिथाइलेशन होती है वो बेसिकली सीपीजी साइट्स में होती है। कहाँ पे होती है? सीपीजी साइट्स। सीपीजी साइट्स का मतलब क्या है कि जो सीजी सीक्वेंसेस हैं, जो सीजी हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो ज्यादा होंगे वहां पे, तो उन सीपीजी साइट्स पे जाके हमारे पास मिथाइलेशन होती है। मिथाइलेशन कहाँ होती है? यही सीपीजी साइट के साइटोसिन के ऊपर। कहाँ पे? साइटोसिन के ऊपर मिथाइल ग्रुप ऐड होगा। कौन से कार्बन पे ऐड होगा? हमारे पास फिफ्थ कार्बन पे ऐड होगा, तो स्ट्रक्चर बनेगा। उस स्ट्रक्चर को बोलेंगे हम फाइव मिथाइल सीपीजी। उसको क्या बोलेंगे हम? फाइव मिथाइल सीपीजी या सी फाइव मिथाइल सीपीजी इसको बोलते हैं। सी फाइव का मतलब क्या होगा? कार्बन नंबर फाइव पे मिथाइल ग्रुप ऐड हुआ साइटोसिन के, जो कि एडजेसेंट किसके साथ था? गवानीन के साथ था। तो इसको हम फाइव मिथाइल सीपीजी भी बोलेंगे या फिर सी फाइव मिथाइल सीपीजी बोलते हैं। तो यहाँ पर मिथाइल सीपीजी बन गया। अब इस मिथाइल सीपीजी को यहाँ पे अटैच करने के लिए, मतलब ये जो सी एस थ्री है इसको साइटोसिन पे अटैच करने के लिए हमारे पास कुछ एंजाइम्स की जरूरत होती है, क्योंकि एंजाइम्स के बगैर तो हमारे अंदर कोई काम हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर भी इस सी एस थ्री को हमें अटैच करना है किसके साथ? साइटोसिन के साथ। तो उसके लिए जो एंजाइम्स होते हैं, अब देखो यहाँ पे कोई ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है? मिथाइल ग्रुप है, जो कि कहीं से ट्रांसफर हो रहा है, इसके साथ जुड़ रहा है। तो यहाँ पे ट्रांसफरेजेस एंजाइम होंगे। कौन से? मिथाइल ट्रांसफरेजेस। कौन से? मिथाइल ट्रांसफरेजेस। अब ये जो मिथाइल ट्रांसफरेजेस है वो किस वाले? डीएनए के साथ है, तो इसको हम कहेंगे डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेजेस एंजाइम्स। ये वो ऐसे एंजाइम्स होंगे जो कि मिथाइल ग्रुप को ऐड करेंगे साइटोसिन के कार्बन नंबर 5 पे। तो उस पे एडिशन की वजह से इसको इन शॉर्ट क्या कहा जाता है? इसको इन शॉर्ट क्या कहा जाता है? डीएनएमटी, डीएनएमटी एंजाइम्स। तो ये ऐसे एंजाइम्स होंगे जो कि डीएनए मिथाइलेशन करवाते हैं। ये सिंपल बता दूं तो DNMTs क्या कराएंगे? DNMTs हमारे पास DNA मिथाइलेशन करेंगे, वो साइटोसिन के कार्बन नंबर 5 पे मिथाइल का ग्रुप अटैच करेंगे। क्या करेंगे? अटैच करेंगे। और इसकी कई टाइप्स हैं, इसको DNMT1 भी है, DNMT2 भी है, DNMT3 भी है, तो इसके कई सारे के टाइप्स हो सकते हैं। लेकिन बेसिकली ये जो ग्रुप ऑफ एंजाइम्स है DNA मिथाइल ट्रांसफरेजेस, वो CH3 को ऐड करा देंगे हमारे पास साइटोसिन के कार्बन नंबर 5 पे। अब इससे होगा क्या? इससे क्या होगा हमारे पास कि जब आरएनए पॉलीमरेज आएगा, तो आरएनए पॉलीमरेज आने से पहले यहाँ पे कई हमारे पास ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स हैं। तो कौन से ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स हैं जो कि रेगुलेटर्स भी होंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे पूरे सीक्वेंस को, वो यहाँ पे फिर रहे होते हैं। वो हमारे पास ये सीपीजी साइट जो है या जो हमारे पास प्रोमोटर रीजन है वो ढूंढ रहे होते हैं। जब वो इसके पास आएंगे तो यहाँ पे इस मिथाइल की वजह से क्या होगा कि वो इस जगह को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। जब ये रिकॉग्नाइज नहीं होगा तो ये पूरा जो हमारे पास सीक्वेंस है ये भी रिकॉग्नाइज नहीं होगा, क्योंकि उसका प्रोमोटर ही रिकॉग्नाइज नहीं हुआ, तो ये जीन हमारे पास एक्सप्रेस नहीं होगा। तो ड्यू टू डीएनए मिथाइलेशन, इस मिथाइलेशन की वजह से क्या है? जीन की सप्रेशन हो रही है। जीन की क्या हो रही है? सप्रेशन। या इन दूसरे लफ्जों में मैं क्या कहूं तो हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती। ड्यू टू मिथाइलेशन हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी। जब ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी तो देर विल बी नो मैसेंजर आरएनए। जब कोई मैसेंजर आरएनए ही नहीं होगा तो राइबोसोम्स के पास कोई कोड ही नहीं जाएगा। जब कोड ही नहीं जाएगा तो कोई प्रोटीन ही नहीं बनेगी। तो हमारे पास इस तरह ये जीन जो है वो सप्रेस हो जाएगा जब इसकी जरूरत नहीं होती। तो इसमें जब हमारे बॉडी में किसी प्रोटीन की जरूरत नहीं होती तो उनके जीन्स को सप्रेस किया जाता है, लेकिन उनके सीक्वेंस को नहीं छेड़ा जाता, बल्कि उनके प्रोमोटर रीजन के साथ हमारे पास मिथाइलेशन कर देते हैं। उसकी क्या? उसमें मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाते हैं साइटोसिन के ऊपर, तो उस मिथाइलेशन की वजह से हमारे पास जीन सप्रेशन हो जाती है या ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती, खत्म हो जाती है। वहां पे ट्रांसक्रिप्शन की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है। तो इसको कहते हैं डीएनए मॉडिफिकेशन, जिसके अंदर हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है डीएनए मिथाइलेशन। क्या है हमारे पास? डीएनए मिथाइलेशन। इस तरीके से हमारे पास कभी कभी हमें दोबारा इस जीन की जरूरत पड़ती है। अभी तो हमें नहीं चाहिए, लेकिन बाद में किसी जगह पे हमें इस जीन को दोबारा उसके प्रोटीन चाहिए होंगे। तो क्या होगा? तो फिर हमारे पास कुछ एंजाइम्स हैं जो कि आएंगे। उस एंजाइम्स को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डीएनए डीमिथाइलेज या इसको डीएनडीडी बोलते हैं। ये जो डीएम बोलते हैं डीएनडीएम, डीएनए डीमिथाइलेज। अब डीमिथाइलेज नाम से पता चल रहा है कि ये वाले एंजाइम आके इन सीएच3 ग्रुप्स को रिमूव कर देंगे। ये वाले एंजाइम आके इन सीएच3 ग्रुप्स को क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। तो इनकी रिमूवल की वजह से क्या है कि अब दोबारा से ये पुराना सीक्वेंस आ जाएगा, पुराना ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर फिर आएंगे, इसको रीड कर लेंगे। उस तरीके से हमारे मैसेंजर आरएनए की क्या हो जाएगी? ट्रांसक्रिप्शन। मैसेंजर आरएनए क्या? हमारा जो जीन है उसका ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगी। उसकी ट्रांसक्रिप्शन की वजह से हमें वो प्रोटीन प्रोडक्ट मिल जाएगी। तो ये हमारे पास थ्रू आउट आवर लाइफ, हमारी जिंदगी में हमेशा कभी एक जीन के आगे मिथाइलेशन हो रही है
मतलब डीएनए मिथाइलेशन होती है, कहीं पे डीमिथाइलेशन होती है, कभी मिथाइलेशन होती है कभी डीमिथाइलेशन होती है। ये तो हो गया हमारे पास एक मॉडिफिकेशन जो कि था डीएनए का। इसके अलावा जो हमारे पास डीएनएमटीज है, ये बात याद रखो, डीएनए मिथाइल ट्रांसपरेजेस जो है, डीएनएमटीज जो है, ये तो सिर्फ ये मिथाइलेशन करते हैं, इसके साथ साथ ये हमारे पास एक डोमेन है। क्या है हमारे पास? एक डोमेन है, उस डोमेन को भी अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। एक डोमेन है प्रोटीन का, एक डोमेन है जिसको वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और उस डोमेन की वजह से क्या होगा, उस डोमेन की वजह से हमारे पास जो एसिटाइल डी एसिटाइलेज है वो एंजाइम वहां पे आएंगे। अब ये डोमेन क्या है और इसमें हमारे पास वो डी एसिटाइलेज एंजाइम्स का क्या रोल है, वो हमें पता चलेगा हिस्टोन की मॉडिफिकेशन में, डीएनए की मॉडिफिकेशन में। तो पता चलता है कि मिथाइलेशन डीएनए की कैसे होती है। अब आते हैं कुछ हिस्टोन मॉडिफिकेशन, क्योंकि हमारे क्रोमेटिन के अंदर हिस्टोन भी तो प्रेजेंट है, तो फिर हिस्टोन की मॉडिफिकेशन किस तरीके से होती है वो भी इंपॉर्टेंट है, तो वो हम पढ़ेंगे। क्या अब हमने पढ़ना है हिस्टोन की मॉडिफिकेशन को, किसको, हिस्टोन की मॉडिफिकेशन।